अररिया के वीरनगर विषहरिया में अगलगी की घटना में एक ही परिवार के तीन बच्चों की झुलसने से मौत पर मातम पसर गया है। मामले की खबर मिलते ही बिहार के आपदा मंत्री और जिला प्रशासन की टीम ने शहादत टोला का दौरा किया है। यहां पर पीड़ित परिवार से मिलकर हिम्मत बढ़ाई है और अनुग्रह राशि का चेक सौंपा है। गौरतलब है कि बुधवार की रात में अगलगी की घटना में परिवार के घर जल गए हैं, जिसमें जान माल के साथ लाखों का नुकसान हुआ है। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक बालक का इलाज चल रहा है। आपदा मंत्री के दौरे के दौरान डीडीसी मनोज कुमार, एसपी अशोक कुमार सिंह, फॉरविसगंज डीएसपी खुसरू सिराज और भरगामा के बीडीओ सीओ समेत भरगामा थाना अध्यक्ष साथ थे। वहीं बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार अगलगी की घटना घटने पर आपदा मंत्री ने लोगों से कहा है कि सावधानी ही बचाव है। देखिए, सबसे पहले तो जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है, दिल दहलाने वाला है। हम लोग या हमारा विभाग बिहार सरकार, आप देखे होंगे प्रचार और प्रसार के माध्यम से बार बार लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, मौजूदा मौसम को देखते हुए सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। जो घटना घटी है इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, हम यही कामना करते हैं। इस सुदूर देहाती क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ मूलभूत सुविधा से ये लोग वंचित हैं, इसके बारे में क्या सोच रखा है आप? इसको मूलभूत सुविधा से कहाँ जोड़ रहे हैं आप? मूलभूत सुविधा होता है जैसे बिजली की समस्या है, मूलभूत सुविधा होता है सड़क, पानी, बिजली, क्यों होता है? अगर हमारे यहाँ हमारे घर में अगर कोई बिजली की सही व्यवस्था नहीं है तभी ना शॉर्ट सर्किट होता है। हम लोग तो बार बार कहते हैं बिजली का जो नियम है, नियमित रूप से बिजली लें, कोई इधर उधर से तार नहीं जोड़े ताकि कोई कठिनाई नहीं, यही ना बात है। तो खैर ये अलग विषय है, अभी इन विषयों पे बात करना उचित नहीं है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, जो भी तय मुआवजा है आज ही हम लोग उनको देने का काम करेंगे। मृतक के परिजन को कितना का चेक दिया जा रहा है? क्या कहते हैं, प्रति बच्चे जो है 4 लाख का दिया जा रहा है। और जिनका घर जला है सर उनको क्या मिल रहा है? जिनका घर जला है जो भी राशि घर जलने के लिए वो हम लोग देंगे। कल 10 तारीख की रात्रि लगभग 11:30 बजे के आसपास बिसहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। 11:30 बजे रात में आग लग गई जिसमें लगभग 19 परिवार का घर नष्ट हो गया। सबसे दुखद हुआ कि इसमें चार बच्चे चपेट में आ गए, तीन बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये बड़ा दुखद हुआ है। एक बच्चा सरवाइव कर रहा है और पूर्णिया हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है वह पॉजिटिव हैं। सभी यहाँ पे घटना के बाद जो भी सरकारी स्तर पे मुआवजा या जो सरकारी प्रावधान है उसके लिए सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और उसकी तैयारी की गई है और मुआवजा आज ही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।